इस बार देव दिवाली पर वाराणसी में 12 लाख दिए जलाने की तैयारी है। इस खास उत्सव के लिए वाराणसी में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देव दिवाली और दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा काशी वासियों के लिए नई सौगात लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी जा रहे हैं। यहां वो उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों को करीब 6,500 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। जगमगा उठेगी पूरी काशी नगरी जब 12 लाख दियों से रोशन होंगे गंगा घाट। वाराणसी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली में इस साल काशी का अद्भुत सौंदर्य दिखने वाला है। 15 नवंबर को होने वाली देव दीपावली में वाराणसी के सभी घाटों को 12 लाख दियों से रोशन करने की योजना बनाई गई है। देव दीपावली में चेतसिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन भी होगा। इस लेजर शो में काशी की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की झलक दिखेगी। गंगा द्वार पर इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो का आयोजन भी किया जाएगा। देव दीपावली को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी काशी पहुंचते हैं। इस बार 84 घाटों में सबसे प्रसिद्ध 80 घाट पर देव दीपावली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, देव दीपावली की प्रतीक्षा पूरे बनारस ही नहीं पूरे प्रदेश को होती है। अन्य प्रदेशों के भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट देव दीपावली पर बनारस आते हैं। इस बार की देव दीपावली 15 नवंबर की है। 12, 13, 14 नवंबर गंगा महोत्सव और 15 नवंबर देव दीपावली मनाई जाएगी। इसमें सारी तैयारियां चल रही हैं। इसमें बहुत सारे काम के टेंडर हो चुके हैं और इसमें जो दो बड़े काम जैसे इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो, इन दोनों कार्यों के टेंडर हमारे हेड ऑफिस से लखनऊ से हुए और जिसको फाइनल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो घाट हैं उस पर दीपक जलाने का कार्य, इसके अतिरिक्त टेंटेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ब्रांडिंग, इन सब कार्यों के टेंडर किए जा चुके हैं और सब पे अंतिम रूप दिया जा रहा है। काशी में एक तरफ घाटों पर देव दीपावली की तैयारी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी वाराणसी आ रहे हैं। यहां वो यूपी के साथ दूसरे राज्यों को करीब 6,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात देंगे। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 25,000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। नरेंद्र मोदी दिवाली के ठीक पहले न केवल काशीवासियों को बल्कि पूरे देश को और खास तौर से पूर्वांचल को बड़ी सौगात दीपावली की देने वाले हैं और इसको लेकर वे ठीक दीपावली के पहले 20 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं। क्या है पूरा प्रोग्राम और क्या क्या वो गिफ्ट के तौर पे इस बार 6,610 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम 20 अक्टूबर का है उसमें वाराणसी के प्रोजेक्ट्स और पूरे देश भर के 7 हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट्स, इनका सबका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और सारे प्रोजेक्ट मिला के करीब 23 प्रोजेक्ट होते हैं जो 6,611 करोड़ के हैं। इनके माध्यम से वाराणसी शहर को तो काफ़ी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो अन्य 6 शहर हैं उनमें 3 के जो टर्मिनल्स हैं उनका लोकार्पण है, 3 के जो टर्मिनल्स हैं उनका फाउंडेशन है। तो कुल मिला के बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे है जिससे 6 बाकी अन्य शहर और वाराणसी सीधे सीधे 7 शहरों को फायदा होगा और उनके जो रहने वाले लोग होंगे उनको सीधा सीधा इनका आर्थिक लाभ मिल पाएगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 6,611.18 करोड़ होगी। इसमें 2,870 करोड़ रुपए में वाराणसी एयरपोर्ट का एक्सटेंशन होगा। वाराणसी में 14 अन्य परियोजनाओं की शुरुआत होगी। वाराणसी को कुल 3,200 से 3,300 करोड़ की परियोजना का लाभ मिलेगा। 6 अन्य जिलों को भी 3,200 से 3,300 करोड़ के प्रोजेक्ट मिलेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान यहाँ पर रहेगा। कई स्तर की सुरक्षा योजना हमारी है जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ लेयर्स रहेंगी। उसमें हमारे एटीएस के जवान रहेंगे, एसपीजी तैनात रहेगी। इसके अलावा करीब 5,000 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। रूफटॉप ड्यूटी लगेगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सादे कपड़ों में भी यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही सभा के में और सब जगह लगाए जाएंगे। ट्रैफिक की इस तरह व्यवस्था की जाएगी कि कहीं पर जाम न लगे और आम पब्लिक नजदीक तक अपने गाड़ियों को ला सके। वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं होंगी।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विशाल जनसभा के बाद प्रधानमंत्री रिंग रोड पर शंकर नेत्रालय का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा वाराणसी और पूर्वांचल के लिए दिवाली का तोहफा लेकर आएगा। ब्रजेश कुमार के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।